सब सक्सेसफुल लोग नॉर्मल होते हैं क्या? सब नॉर्मल ही हैं, एवरी वन इज़ एवरेज, लेकिन है क्या उनके पास? उनके पास ऐसा हैबिट्स होता है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिट्स होता है, इतना स्ट्रांगली उसको इनकालकुलेट करते हैं, वो उनको सक्सेसफुल होने में मदद करता है। सो हम लोग आज देखते हैं कि ऐसा क्या बढ़िया टॉप 6 हैबिट्स है जिसकी वजह से बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं लोग। देखते हैं वन बाय वन। हैबिट्स जो है एक प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे होते हैं, वो नॉर्मली ऐसा मट्टी जैसे होता है, मतलब नॉर्मल, लेकिन वो बनते बनते सूख जाता है, यू नो क्ले, मड़का बनाने का जो मट्टी होता है क्ले, तो बाद में ऐसा सूख जाता है, फिर वो तोड़ना पड़ता है ना, इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, राइट? उस तरह का हो जाता है। सो सेम है, हैबिट्स को कितना स्ट्रांगली बनाना है, अच्छे हैबिट्स को, ताकि हमारा सक्सेसफुल आगे बढ़े, उसके बारे में आज बात करते हैं। इसमें हमारा जो ज़िंदगी में 40% जो हम लोग करते हैं वो विदाउट नॉलेज करते हैं, मतलब पता नहीं हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए करेंगे कल हम लोग ने किया आज कर रहे हैं, और माइंड इतना स्मार्ट है ना, वो तू कल किया ना, अच्छा था ना, बस आज कर, ऐसा शॉर्टकट ऐसा करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये हैबिट्स इंक्लूड करना है। देखते हैं पहला क्या है। शायद आप सुने रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर लगता है कि 90% लोग इसको सुने भी होंगे तो भी करते नहीं या उसको गलत समझते हैं, लो मीडिया डाइट। आपकी जितना भी जितना टीवी न्यूज़ चैनल मीडिया रियलिटी शोज़ जितना देख के आपको मज़ा आता ना, उतना आपका सक्सेसफुल की ओर जाने का मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी जितना पोटेंशियल है, आप जितना काम में आप अपने जो कैरियर में जितना टाइम से दे सकते हो, वो सब छोड़ के ये टीवी चैनल वाला, वो टीवी चैनल वाला, न्यूज़ कौन कहाँ पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यू नो ऐसा। ये नहीं बोल रहा हूँ मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 15-20 मिनट के ऊपर हर दिन इसको देना नहीं है, बस उतना ही न्यूज़, मेजर न्यूज़ क्या चल रहा है। और मैं तो कभी पेपर खोलता हूँ तो ये उसको ख़त्म कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया, अंदर गया, ये हो गया, जल गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। सुबह उठ के यही देखेंगे तो आपको पूरा दिन क्या जाएगा, ओके? हाँ, जानना जरूरी है, इसके लिए आपका पूरा दिन ख़राब नहीं करना है। सो सेकेंड, यू नो सॉरी, फर्स्ट थिंग इज़ यू नो लो मीडिया डाइट। जैसे हम लोग खाने में, मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, ये कम खाता हूँ, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, यू नो डाइटिंग में हूँ, वैसे ही बिल्कुल आपको अपना नॉलेज, अपना जो न्यूज़ है, देखिए कोई भी न्यूज़ चैनल आपको नंबर वन बनाने या फिर आपको आपकी ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए कोई कुछ नहीं करता, वो सिर्फ सिर्फ अपना 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 न्यूज़ बेचते हैं, उनके चैनल बढ़ना है, राइट? एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बढ़ना है, इसके लिए किसी भी हालत में आपकी आपका जो अट्रैक्शंस है उनकी ओर जाना चाहिए, आकर्षित करने के लिए सब कुछ करते हैं। एनीवे, ये चीज़ आप समझ गए तो ठीक है। सिंपल। सो लो मीडिया डाइट करना चाहिए। सो इसके अलावा अपना व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप, इतना पेजेस लाइक करना, कोई कोई पेजेस लाखों लोग लाइक करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, फाइन यार, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, आपका अकाउंट में क्या आ रहा है, आपके बैंक अकाउंट किधर बढ़ रहा है, राइट? और आप जो तरक्की कर रहे हो उसमें नंबर वन पहुंचने के लिए आप क्या क्या पूरा दिन उसके लिए समय दे रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो उसमें, उसके लिए कितना समय दे रहे हो, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, राइट? अच्छा, नोटिफिकेशन उड़ाने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आता ना, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, वो नोटिफिकेशन जैसे आते हैं ना स्क्रीन में, उसमें एक दबा के रखिएगा, एक जगह पे लेके जाएगा, वहाँ पे अनम्यूट कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगा नहीं। मेरा पूरा व्हाट्सएप ग्रुप ये सब सब में बाहर हूँ, और मेरा मुझे कोई नोटिफिकेशन आता नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जब मैं फ्री होगा तभी एक बार फ़ोन देखूँगा, उसमें जो जो है उसको रिप्लाई करूँगा, कॉल को रिप्लाई करूँगा, व्हाट्सएप सब लोग हाई हाउ आर यू मैसेज बोलता हूँ, मैं चैट नहीं करता हूँ, एनीथिंग अर्जेंट एनीथिंग इंपॉर्टेंट टॉक डायरेक्टली, और मैटर पे बोलो, चैटिंग में मत आ जाओ, राइट? इन अ सेम वे। सो आप जितना भी ये समय आप कम करोगे उतना बहुत अच्छा है। सेकेंड, कभी भी कभी ना कभी एक दिन बैठ के 2 घंटा संडे को अकेले आप वॉकिंग चले जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, बहुत सारे चीज़ आपको याद आएगा और मज़ा आएगा, राइट? और
ये आपको ज़िंदगी पलट के डाल सकता है ना, वॉकिंग करते करते, गाना नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ सुनना नहीं, बस ऐसी यू नो, आपकी जब मन मन शांत हो जाता है, कोई ना कोई अंदर की चीज़ें, बहुत सारे पुराने कुछ आपकी ड्रीम सपना कुछ बाहर आ सकता है, राइट? और आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, क्या प्लानिंग है, सब आइडियाज़ तभी आएगा। कंटिन्यूस सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, भागते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, फैमिली, ये चक्कर में आप क्या करना है पता नहीं चलता है, और एंड में 50-60 साल हो जाता है, बस ज़िंदगी ख़त्म हो गया, राइट? ना जवानी है, ना एनर्जी है, ना समय है, पैसा तो शायद हो सकता है, क्या कुछ अच्छा काम, नौकरी, फ्लैट फ्लैट हो गया, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, राइट? सो एनी वे, दैट्स वन लो डाइट, लो मीडिया डाइट हो सके। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अफर्मेशन। आपको जो करना है ज़िंदगी में, तो आपको एकदम स्ट्रांगली बिलीव करना चाहिए आगे जाके ये मेरा होगा, राइट? सुबह उठ के बहुत सारे अफर्मेशन आपको मिलेगा, मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मेरा ज़िंदगी ऐसे होगा, यू नो, उस तरह का, उस चीज़ों को लिखना, उसको सुबह सुबह पढ़ना एक बार, या फिर समझ के रखना। और जब आप माइंड को एक बार बता देते हो ना, तो आप सावधान हो जाते हो, यार मेरे को बहुत आगे जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, राइट? आपका काम लग जाएगा, वो एक बात है। सेकंड, जब आप किसी में बिलीव करोगे कि भरोसा करोगे कि होने वाला है, तभी होगा। सो अफर्मेशन का हैबिट आपको सुबह सुबह डालना है, दैट्स वन। नेक्स्ट चलते हैं ईटिंग हैबिट। ईटिंग हैबिट इन द सेंस, खाना स्वाद से खाना नहीं चाहिए, खाना देखिए खाना चाहिए, प्लेट में उतना डालो जितना अंदर जाना चाहिए, मतलब इतना ही खाना है, बस ख़त्म, बाकी पानी पी के आप करो वैसे जो भी है। सेकेंड एटी हैबिट्स में क्या क्या खाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी बिटी है तो क्या क्या अंदर जाता है पता नहीं है, बोफे में क्या क्या अंदर जाता है पता नहीं है, अल्टीमेटली आपका सेहत में बहुत सारा स्ट्रगल हो जाता है। बॉडी मेंटेन करने के लिए कोई भी बोलेंगे, 90% आपका डाइट है, 10% आपका एक्सरसाइज है, तो अगर ये चीज़ आप 100% मेंटेन करते हो, आपकी बॉडी मस्त हो जाएगा। तो हीटिंग हैबिट्स में रेगुलर करना चाहिए। ये हैबिट इतना बुरा है, इतना इजी नहीं है कि उसको पार करने के लिए। मैंने तो मेरा ईटिंग हैबिट चेंज करने के लिए 2 साल लगा। ओके, एक बार लग गया, उसके बाद कंट्रोल में आ जाता है, फिर बात नहीं है, हम लोग फिर बात पलट भी सकते हैं, तो दोबारा आपको वो करना पड़ेगा, राइट? ईटिंग हैबिट्स। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। ग्रेटिट्यूड, जो जो आपके पास है उसके लिए आपको खुश होना चाहिए कि बस मेरे पास ये है, आई एम हैप्पी, यू नो। क्योंकि जब आपके पास है तो आप आगे कुछ कर सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक डर होगा कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भिखारी हूँ, ऐसा मैं क्या कर पाऊँगा, या मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे फैमिलीज नहीं है, ऐसा बहुत है। लेकिन जो जो है उसके ऊपर आपको खुश रहना है कि बस मुझे ये मिला है, मेजर है। और जब आपके पास कुछ खड़ा रहने के लिए एक ज़मीन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, तभी आप और भी आप बहुत सक्सेस हो सकते हो, राइट? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं इस लेवल तक जाता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है तो मैं लोन लेके, राइट, क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे प्री अप्रूव लोन होता है, लोन लेके मेरे अकाउंट में बैंक में डालता हूँ, और उसका बैंक बैलेंस देखता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर उसके आगे मुझे बिजनेस करने में, मुझे डील करने में बहुत मदद करता है वो, फिर वो रीपे करता हूँ, राइट? सो समय आपको खुश रहना है कि आपको जो जाए उसके ऊपर खुश रहना है ना, उस तरह का आपको, क्योंकि भिखारी बन के आप अमीर नहीं बन सकते हो, भिखारी सोचते सोचते, आपको अमीर की तरफ सोचना चाहिए, अमीर की तरफ फील करना चाहिए, है ना, तभी होगा, राइट? अप्रिसिएशन, दैट्स वन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रिलेशनशिप इज व्हाट, देखिए दुनिया में जो भी मिला नहीं मिला, लेकिन एक रिलेशनशिप प्यार मोहब्बत मिलता ना, अपना इंडिया हम लोग क्वालिटी रिलेशनशिप में ही हम लोग रह जाते हैं, राइट? साइंटिफिकली सब में चाहता नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे खुशियाँ देती हैं अपने को, राइट? आपके पास कितना दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरह का प्यार व्यवहार, यू नो, फ्रेंडशिप, डीपनेस, ये सब है ना, वो बहुत मायने रखता है, एक मन को एक खुशी देती है। अच्छा, कुछ लोग प्यार करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं, राइट? या कितना प्यार करते हैं बताते नहीं है, बस आई लव यू बोला तो ख़त्म हो गया, नहीं, उसके आगे जाके मैं आपको इसमें 2 टेक्निक बताऊँगा, 2 हैक्स आप इसमें कर सकते हो। बस आप जिसको पसंद करते हो उनको आप चूज़ कर लो, लेकिन उनके पास जाके बताओ कि आप क्यों उसको लाइक करते हैं, क्या क्या लाइक करते हैं, कैसे लाइक करते हैं, क्या क्या अच्छा लगता है, ये उनको बताओ। जब उनको बताएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, आपकी रिलेशनशिप और अच्छा होगा, दैट्स वन। 2, जिस बताने से नहीं चलेगा, उनको समय भी देना ज़रूरी है, उनको टेक केयर करना, क्या हुआ, कैसे चल रहा है, आप बता के आप सालों साल भूल गए वैसा नहीं चलेगा, आपको रेगुलर उनको कॉन्टेक्ट करना, बातें करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट?
सो रिलेशनशिप का आप बहुत इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू वर्क ना, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कुछ है तो खड़ा रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको करना है फिफ्थ में. ओके, लास्ट में देखते हैं कि यू नो गोल, आपको कुछ भी अचीव करने के लिए मस्त गोल होना चाहिए और ये हैबिट बनाओ गोल का. अच्छा, कोई भी है गोल बना के आप अपने आप ट्राई करते हो, अपने आप ट्राई करते हो, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 15 साल 20 साल कोई करते 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 एंड में कुछ नहीं होता है और फाइनली गाड़ी रुक जाता है. और जो काल आप 10 साल 20 साल के बाद कर सकते हो वो आप एक्सपर्ट्स से पूछो, जो इस काम को पहले किया है, जो जिसमें मास्टर है, उनके पास जाके पूछे, वो आपको तुरंत बताएंगे. हाँ, उसका फीस लगेगा, टाइम लगेगा, आपका ईगो छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप कोई मेंटोर को देख सकते हैं. हर एक काम के लिए अलग अलग मेंटर होना चाहिए, तो ऐसा मेंटर को देख के आप ये हैबिट बनाओ कि आप किससे सीखने का, ये हैबिट बनाओ कि मास्टर के पास जाना, उनको कैसे अप्रोच करना है, वो क्यों आपको खड़ा करेंगे, क्यों आपसे बात करेंगे, आपको क्यों ये सब सिखाएंगे, उसके लिए अलग अलग तरीका है जो आपकी लाइफ को एकदम स्मूथ और जकास और फटाफट फास्ट सक्सेस बना सकती है. ठीक है, उसके बारे में भी, वो भी आपको करना है. ओके, ये सब डिटेल्स में आपको और भी जानकारी चाहिए और कुछ है तो मेरा लिंक उसमें नीचे दिया हुआ लिंक में क्लिक करिए, उसमें आपको कहीं पे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इशू है, उसमें फिलअप करिएगा. अगर वी आर अ गुड फिट तो मैं आपको कॉल करूँगा, तो हम लोग उसके बारे में आगे बात भी कर सकते हैं. राइट, और इस चीज़ को फॉलो करिएगा, और थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.